हुआ है और आप देख रहे हैं जेड टीवी न्यूज 24। विकास के दम पर तीसरी बार बनेंगे वार्ड के सभासद। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारी सभी प्रत्याशियों ने कर ली है। फिलहाल अभी चुनाव की तारीख निश्चित नहीं की गई, लेकिन सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर ली हैं और सभी प्रत्याशी अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन हम बात करें नगर पालिका ठाकुर द्वारा से, तो वार्ड नंबर 15 से लगातार दो बार तस्लीम अहमद सभासद चुने जा रहे हैं और तीसरी बार तस्लीम अहमद चुनाव मैदान में। उन्होंने बताया कि हम अपने वार्ड 15 में भरपूर विकास कराते हैं, इसलिए वार्ड की जनता हमें सहयोग करती है और तीसरी बार सभासद बनाने का काम कर रही है। वहीं वार्ड के सभासद तस्लीम अहमद ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने अपने वार्ड में सड़क निर्माण, पात्र व्यक्तियों को आवास, साफ सफाई, पानी की व्यवस्था आदि का कार्य किया है। हमारे विकास कार्य को देखकर वार्ड 15 की जनता हमें वोट देती है और तीसरी बार वार्ड के सभासद बनने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने सभी वार्ड की जनता का धन्यवाद करते हुए एक बार फिर से वोट की अपील की है। जेड टीवी न्यूज 24 के लिए ठाकुर द्वारा मुरादाबाद से सफदर अली की रिपोर्ट। जी सर, क्या नाम है आपका? तस्लीम अहमद। तस्लीम अहमद जी, कौन सा वार्ड है? वार्ड 15। सर, लगातार आप दो बार यहाँ से प्रत्याशी, दो बार यहाँ से आपने सभासद का चुनाव जीते हो, तीसरी बार भी आप चुनाव की तैयारी में हो, तो क्या वजह है जो लगातार जनता आपको वोट दे रही है? जनता की वजह यह है कि हमारा जो वार्ड था बहुत पिछड़ा था, इसमें कोई ध्यान नहीं देता था। मेरे उससे पहले ही बहुत सभासद आए हैं। अब जो मेरे पास आता है, आधी रात में आ जा, दिन में आ जा, मेरे दरवाजे से, मेरे ऑफिस से कभी कोई खाली लौट के नहीं जाता है। किसी कार्य कोई भी होता है, कागज़ की लिखा पड़ी होती है, कुछ भी लेटर पैड होता है, मैं कभी किसी को मने नहीं करता हूँ। जितने मेरे वार्ड के वासी हैं और ज़रूरत पड़ती है किसी दूसरे अदर वार्ड की कोशिश की भी, तो वो भी मैं करता हूँ। उसी लिए मुझे लोग सहयोग करते हैं, ठाकुर द्वार के बहुत लोग मुझे सहयोग करते हैं, मेरा इलेक्शन लड़ाते हैं अंदर खाना, मुझे बहुत मदद पहुँचाते हैं मेरी अच्छाई की वजह से। अच्छा, देखा जाता है एक बार अगर कोई बन गया वार्ड का सभासद तो 20-30 साल तक उसका नंबर नहीं आता दोबारा। अब मैं देखा है सब जगह, क्या पंचायत चुनाव हो या नगर पालिका चुनाव, ये सब अल्लाह का करम है, मेरे ऊपर मालिक का करम है और दुआ है जनता की मेरे पास। मैं जो भी काम करता हूँ इंशाल्लाह अच्छा करता हूँ और हर किसी के साथ खड़ा हो जाता हूँ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, अमीर हो, गरीब हो, जो मुझे याद करता है मैं हर वक्त तैयार रहता हूँ। इसलिए जनता मुझे फिर प्यार देने जा रही है इंशाल्लाह, तीसरी बार मुझे इलेक्शन जिताने जा रही है। अच्छा, इस बार क्या तीसरी बार का क्या लग रहा है आपको, क्या किस तरह से आप तैयारी कर रखी है? बहुत अच्छी तैयारियाँ हैं मेरे पास, लोग आके मेरे से खुद मिलते हैं, बात करते हैं, बात बताते हैं, एक दूसरे से कहते हैं 10 साल हो गए मेंबर बढ़िया हैं, इन्हें चुनो, इन्हें बनाओ, बढ़िया आदमी को चुनो। अच्छा, आप किस मुद्दे पे यहाँ पे आप वोट की बात कर रहे हो? बस विकास है, विकास का मुद्दा है, काम मैंने 10 साल में सारे करा रखे हैं, कोई अगर कमी है तो मैं इंशाल्लाह इलेक्शन जीतने का आदमी, जो भी कमी मेरे वार्ड में है तो वो मैं बहुत जल्द पूरी कराऊँ। अच्छा, अपने वार्ड वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे अपनी तरफ? बस मेरी अपील है कि हाथ जोड़ के गुजारिश है, मेरा समर्थन करें, मुझे सहयोग करें, मुझे वोट दें, कामयाब बनाएं मैं जनता के साथ। यानी अपने विकास के दम पर आप जो है यहाँ पे मेंबर चुने जाते हैं? जी, अपने